नमस्कार, इस समय यहाँ पे लाइव तस्वीरें करनाल के ज्वेल्स रोड से देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर पलट गई है। और बताया जा रहा है कि जो गाड़ी में युवक सवार था, हालांकि थोड़ी बहुत चोटें उसे जरूर आई है। दुर्गा शक्ति की टीम जो मौके पर पहुंची, वो उसे फिलहाल अस्पताल लेकर जा रही है। गाड़ी की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, HR06S6420 गाड़ी का नंबर है, पानीपत की गाड़ी है, जो कि जैसा कि बताया जा रहा है कि वो NDRI रोड से जो ITI चौक है उस तरफ जा रहे थे, और गाड़ी का टायर फटने की वजह से जो है गाड़ी पलट गई। जो युवक गाड़ी चला रहे थे वो आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों से अपील ही करना चाहेंगे कि वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों तक एक मैसेज पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे ये गाड़ी पलटी आपकी? एकदम टायर फट गया मैडम। आपको चोटें भी आई हैं? हाँ जी। आपकी स्पीड से अंदाजा कितनी थी? 50 की स्पीड थी। और किस तरफ जा रहे थे आप? मैं ITI जा रहा था। ज्यादा चोट तो नहीं आई है? नहीं मैडम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें युवक ने बताया, जो कि उस समय वो यहाँ पर पलटी हुई है, करनाल के NDRI से ITI की तरफ 4020 बताया कि गाड़ी का टायर फटने की वजह से जो है गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, और डिवाइडर क्रॉस करते हुए गाड़ी यहां पर आकर पलट गई। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, 50 के तकरीबन जो है गाड़ी की स्पीड बताई जा रही है। जैसे कि हम आपको करनाल की ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है, एक बार हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी आपको मिली थी और क्या किस? हमें जैसे कंट्रोल से फोन आया था अभी तो थोड़ी देर पहले, तो जैसे अभी हम आए हैं तो अभी थोड़ी देर में इंचार्ज आने वाले, थोड़ी देर में तो अभी जो भी कार्रवाई वो कर देंगे। सर आपको क्या जानकारी मिली थी? हमको जानकारी कंट्रोल से फोन आया था कि गाड़ी पलटी हुई है। तो जैसे कहाँ से कहाँ जा रहे थे युवक? ये गुंजपरा जा रहे थे अपने। हाँ, दुर्गा शक्ति हमारी गाड़ी जो है PCR 2 है, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो युवक है उन्हें हालांकि अभी अस्पताल लेकर जाया गया है ताकि उनका एक्सरे करवाया जा सके, क्योंकि उनकी टांग में जो है जहां तक आशंका जताई जा रही है कि उनकी टांग में चोटें जरूर आई हैं, क्योंकि वे लंगड़ा के चले थे। तो उन्हें अभी इसी समय जो है अस्पताल लेकर जाया गया है ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। लाइव तस्वीरें तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, वरना कार किस तरीके से यहाँ पर पलटी हुई है। और जैसा कि जो युवक गाड़ी में सवार थे उन्होंने भी हमें बताया कि वे NDRI से ITI की तरफ जा रहे थे। गाड़ी की स्पीड हालांकि ज्यादा नहीं थी, ऐसा युवक का कहना है। गाड़ी की स्पीड 50 के करीब थी, और क्योंकि टायर फट गया उसके बाद एकदम से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी जो है डिवाइडर क्रॉस करते हुए, अगर मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, टायर्स के निशान जो है वो यहाँ पर है, शीशे जो कांच है वो यहाँ पर टूटा हुआ है। डिवाइडर क्रॉस करते हुए गाड़ी जो है यहाँ पर आ पलटी। हालांकि युवक को ज्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन एक्सरे के लिए जो है उसे अस्पताल लेकर जाया गया है। जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं स्पीड भी ज्यादातर सड़क हादसों का जो है हिस्सा, जो कारण है वो बनती है, तो स्पीड का को जरूर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनसे एक बार हम बातचीत करना चाहेंगे। सर आप उस समय यहाँ पर मौजूद थे जब ये गाड़ी किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ? टायर फट गया, पलटी साइड गाड़ी पलट गई है। जो युवक सवार थे वो ठीक है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, गोड़े पे चोट लगा। तो आप उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया? हाँ जी, कल्पना चावला लेके गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो आसपास लोग मौजूद थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि डिवाइडर से क्रॉस होती हुई जो है गाड़ी यहाँ पर आकर पलट गई। कार की हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वरना गाड़ी HR06S6420 कार की जो नंबर है, पानीपत की ये गाड़ी है, जो कि जैसा कि हमें जो युवक गाड़ी में सवार थे उन्होंने बताया कि वे NDRI से ITI की तरफ जा रहे थे, अचानक से उनकी गाड़ी का टायर फटा। टायर की भी मैं एक बार आपको लाइव तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं हालांकि जो युवक गाड़ी में सवार थे उन्होंने कहा कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, 50 के करीब जो है गाड़ी की स्पीड थी, और टायर फटने की वजह से जो है गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और एकदम से गाड़ी जो है डिवाइडर क्रॉस करती हुई यहाँ पर आ गई। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी कि स्पीड का ध्यान भी जरूर रखें, क्योंकि अपने आप में ही कोई भी सड़क हादसा हो उसका स्पीड
अपने आप में ही बहुत बड़ा कारण होता है। हालांकि आज की हमने आपको लाइव तस्वीर दिखाई ज्वेल्स रोड पे किस तरीके से टायर फटने की वजह से एक वरना गाड़ी जो है डिवाइडर क्रॉस करते हुए यहाँ पर आकर पलट गई। हालांकि जो युवक गाड़ी में सवार थे उनको ज्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन उनको एक्सरे के लिए जो है अस्पताल लेकर जाया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आगे